Hello everyone, I am Shwetambri Sharma from KMS Fashion. Happy Republic Day to everyone. Aaj ka hamara topic hai Stages of Adult Cognitive Development by Shaie Theory. Ye hamara NTNet ZRF Paper 2 Home Science ke liye aur ASRB Net Home Science ke liye hai for June 2020. सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेजेस ऑफ एडल्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट किन्होंने दी थी. ये दी थी जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने के वार्नर शेन इन 1928. इन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट करते रहते हैं अपनी एंटायर लाइफ के लिए अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड होके और लार्जली इंटरैक्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ और अपने पर्सनल मोटिवेशंस के साथ अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं. इन्होंने सेवन थ्योरीज दी, सेवन स्टेजेस दी अपनी शेन थ्योरी के लिए, जो कि हैं एक्विसिटिव स्टेज, अचीविंग स्टेज, रिस्पॉन्सिबल स्टेज, एग्जीक्यूटिव स्टेज, री इंटीग्रेटिव स्टेज, री ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज एंड लास्ट इज लीगसी क्रिएटिंग स्टेज. इनकी स्टेजेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहली थी इनकी अंडर 18 की एज में एक्विसिटिव स्टेज. इस ये जो स्टेज होती है ये हमारी चाइल्डहुड की होती है या फिर हमारा एक पार्ट होता है एडोलोसेंस का. इसको इन्होंने एक्विसिटिव स्टेज का नाम दिया गया. इस स्टेज के अंदर ये एक ह्यूमन लाइफ की स्टेज थी उनके अकॉर्डिंग. इस स्टेज के अंदर पर्सन क्या करता है, नॉलेज को एक्वायर करता है अपनी सराउंडिंग से और एक्सपीरियंसेस से, चाहे वो अपने एक्सपीरियंस हो या किसी और की एक्सपीरियंस. और फोकस जो रहता है इस स्टेज में वो ज़्यादा रहता है कि किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट हो, किस तरह से नॉलेज कलेक्ट हो इस सिचुएशन में, इस टाइम पे, इस स्टेज पे. ये नहीं सोचता पर्सन कि वो किस तरह से इनको यूटिलाइज करे. ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रहता है कि किस तरह से नॉलेज इंक्रीज हो, किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर हो, उसको कहाँ यूटिलाइजेशन करता है, ये आने वाली स्टेज में हम बात करेंगे. नेक्स्ट है हमारी अचीविंग स्टेज. ये हमारी 20s और 30s की एज होती है. इसके अंदर पर्सन अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है और इस एज में उसके बाद एंटर करता है. जो एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है किसी भी यंग पर्सन के ऊपर वो ये तो या तो ये होता है कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उनकी डेवलप्ड होती है और जो भी उन्होंने एक्विसिटिव स्टेज में सीखा, जो भी उन्होंने उस टाइम पे अपने एक आधा गोल उन्होंने अपना सेट किया, जहाँ पर उनका माइंड चल रहा था, जिस अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि उनको क्या चीज़ अपने गोल को अचीव करनी है इन फ्यूचर, अपनी सोशल फंक्शनिंग को डेवलप करने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, इस स्टेज में उन्होंने ये भी रिप्रेजेंट किया कि जो इंडिविजुअल होता है उसने जितनी भी नॉलेज को एक्वायर किया है अब वो उसको क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा और अचीव करेगा अपने टर्म गोल्स को. यहाँ पर उन्होंने ये भी नोट किया कि वो केयरफुल अटेंशन देते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को, क्योंकि उनको पता है कि आज जो भी उनके डिसीजंस हैं वो लॉन्ग टर्म जाएंगे और उन्हीं के बेसिस पे उनका फर्दर फ्यूचर डिसाइड होगा. तो ये थी हमारी अचीविंग स्टेज. थर्ड स्टेज है हमारी रिस्पॉन्सिबल स्टेज. ये हमारी 30s to 40s की एज है. इसके अंदर पर्सन के पास फैमिली आ जाती है, मैरिज हो जाती है, चिल्ड्रंस हो जाते हैं, तो अब उनका पूरा फोकस कहाँ रहता है, अपनी फैमिली पे और अपने वर्क प्लेस पे. इस स्टेज पे पर्सन सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहता, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और अपने उसके जितने भी एक्शंस होते हैं वो उन्हीं के लिए होते हैं, सबको कंबाइंड रख के चलने के. इस टाइम पे इंडिविजुअल अडेप्ट करता है कुछ एक कॉग्निटिव ऐसे प्रोसेसेस को जो उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं और जिससे वो अपनी सोसाइटी को और अपनी फैमिली को यूनाइट करके रखता है और एक अच्छा एक उनको फ्यूचर देने की ट्राई करता है. ये जो स्टेज है रिस्पॉन्सिबल स्टेज, ये फैमिली के अंदर नॉर्मली आती ही आती है और इससे क्या होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनके स्पाउस की, उनके चिल्ड्रंस की, वो उन सब चीज़ों को समझ के फुलफिल करता है. इस टाइम पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है और साथ के साथ डिसीजंस को भी लेता है जो उनकी हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ को सेव करने के लिए, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और फर्दर जो लाइफ के डिसीजंस हैं उनको अच्छे से लेने में हेल्प करता है. तो ये थी हमारी रिस्पॉन्सिबल स्टेज.
नेक्स्ट स्टेज है हमारी एग्जीक्यूटिव स्टेज, ये हमारी 40s एंड 50s की स्टेज है। एग्जीक्यूटिव स्टेज आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव पोस्ट, तो उसी से ही ये थोड़ा रिजेंबल करती है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली स्टेज का ही पार्ट है। इसके अंदर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो इंडिविजुअल होता है उसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेस करनी पड़ती है, और इसमें जो उनकी पोजीशंस होती हैं, उनकी जो प्रोफेशनल पोजीशंस होती है, जैसे कोई डीन बन गया एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, प्रेसिडेंट हो गया किसी बिजनेस एंटरप्राइज का, या फिर ऑफिशियल्स हो गए चर्च के, या कोई भी हायर अथॉरिटीज हमारे स्कूल्स कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हो गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेन सीईओ हो गए, हेड हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, इस तरह के जितने भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स पे जो पर्संस होते हैं, और या हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ प्रोफेशनली, पर इसमें हम बात करेंगे कि फैमिली के अंदर भी जो आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे एक हायर हेड ऑफ द फैमिली के तौर पे भी हो, तो वहाँ पर भी आपकी सेम, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं ऐसी एक फैमिली को संभालते हैं, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बन जाती है। तो इस सिचुएशन में, इस स्टेज में वो मॉनिटर करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज रही, सुपरवाइज करते हैं कि सारे के सारे एम्प्लॉयज किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इसमें वो इंश्योर करते हैं कि वो पॉलिसी को डिसीजन भी लें, पॉलिसी के डिसीजंस लें और प्रॉपरली, ताकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करे। वो फ्यूचर प्लान्स को भी डेवलप करते हैं, उसकी डील्स भी देखते हैं, और ऐसी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो और ज़्यादा उनकी अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करती हैं और उनकी अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा एनहांस करती है, एग्जीक्यूटिव ये वाली स्टेज होती है। नेक्स्ट है हमारी री इंटीग्रेटिव स्टेज, ये 50s और 60s की स्टेज होती है। इस स्टेज, ये भी एक कॉग्निटिव स्टेज का ही पार्ट है, क्योंकि वही हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसके अंदर जो हमने स्टार्टिंग में एक्विजिटिव नॉलेज हमने गेन की थी अपनी अर्लियर स्टेज में, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें उस नॉलेज को, उन पर ही हम फोकस करते हैं। यहाँ पर वो डिसीजन नहीं लेते लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इस एज में लोग पब्लिक लाइफ से रिटायर हो जाते हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, बाकी चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर पाते। इसको हम एल्डर एज भी, एल्डर स्टेज भी बोलते हैं, और इस टाइम पे वो अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करते उन चीज़ों के लिए जो उनके कंसर्न को नहीं है। यहाँ पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कम एफर्ट्स करते हैं, और साथ के साथ वो ऐसी नई प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करते जो कभी उन्होंने अपनी लाइफ में पहले की ही नहीं। तो जिन प्रॉब्लम्स को उन्होंने पहले अपने लाइफ में सफ़र किया है या फेस किया है, उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो देखते हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स में वो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेज की, दैट इज़ रीऑर्गेनाइजेशनल स्टेज। ये हमारी 60s और 65s की स्टेज है। रीऑर्गेनाइजेशन स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर जो भी उन्होंने अब तक की अपनी लाइफ को किया है, उसको यूटिलाइज किया, जितने भी रिसोर्सेज को, अब वो जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो है उनका लाइफ का। इसमें जैसे कि अब उनको हाउसिंग के अरेंजमेंट्स करने हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के नाम करनी है, ये देखना है कि हमें कहाँ पर रहना है, कहाँ पर नहीं रहना, अगर चेंज करना है तो अभी चेंज करना है, मेडिकल एडवाइस किसी से लेनी है तो अपने आप को मेडिकली सिक्योर करना है, अपने स्पोर्ट्स को, अपने चिल्ड्रंस को मेडिकली करना है, और साथ के साथ एक और मेन उनके पास रहता है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते, तो वो अपने जितने भी उनके इस लाइफ के बाद कोई भी डिसीजंस होते हैं उनको सिक्योर करके चलते हैं, कि अगर उनको कोई इश्यू होगा तो वो कहाँ पर मेडिकली अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, या फिर अगर उनको घर चेंज करना होगा तो फिर उनका घर बिल्कुल स्टेबल और सुटेबल होना चाहिए, किसी को भी ना उनके चिल्ड्रंस कोई प्रॉब्लम फेस करे ना वो प्रॉब्लम फेस करे, ये सब रहता है। तो ये एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान करते हैं अपने इस पीरियड ऑफ लाइफ में, जो डिपेंड करती है कि किस तरह से उनकी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ उन्होंने एंटायर लाइफ जी है वो मेंटेन रहे। उनका इस टाइम पे जो विज़न होता है वो अपनी लाइफ के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी पे वो डिपेंड करते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो उनकी लाइफ को जीने की, और क्योंकि वो अपनी फैमिली पे बर्डन नहीं बनना चाहते जैसे मैंने बताया था, और साथ में ये अपनी लाइफ के फाइनल ईयर्स भी मानते हैं। इसके बाद इसके अंदर इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ये यूनिफॉर्म सेवरल इंडिविजुअल की, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या इस स्टेज की रीऑर्गेनाइजेशनल स्टेज है,
उसमें हर इंडिविजुअल अपनी ऑर्गेनाइजिंग, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने इंस्टीट्यूशन को लेके रिस्पॉन्सिबल रहता है एग्जीक्यूटिव स्टेज में, और रिस्पॉन्सिबल स्टेज में उसका ये फाइनल टच होता है रीऑर्गेनाइजेशन स्टेज। लास्ट है हमारी लीगसी क्रिएटिंग स्टेज, ये 65+ होती है। लीगसी क्रिएटिंग मतलब जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया है उसको मेंटेन रखना, इसको हम लास्ट स्टेज बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इस स्टेज के अंदर वो स्टार्ट करते हैं कि कुछ एक एफर्ट्स लाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में जो उन्होंने किया है उसका रिव्यू कर सके। जितने भी वुमेन्स होती हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, बहुत उन्होंने सोशली अपने आप को एक्सपोज किया होता है और वहाँ से बहुत प्रेस्टीज भी हासिल की होती है, अब वो उस चीज़ में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो आराम से और इत्मीनान से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, मैन एज वेल एज वुमेन्स। अब वो क्या करते हैं इस स्टेज में भी, वो अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो उनको यूज़ नहीं है वो अपनी फैमिली और रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जितने लोग पढ़े लिखे होते हैं वो अपने लाइफ की एक्सपीरियंसेस को अपने यंगर वंस को बैठ के सुनाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मूवमेंट होता है कि वो उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया और उनकी नॉलेज से उनके यंग वंस को क्या क्या नॉलेजेबल बातें सीखने को मिलेगी, इस चीज़ के बारे में वो उनको बात बताते रहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनका प्राउड मूवमेंट होता है, या एक एक कहेंगे कि उनका कंप्लीट लाइफ का जो सब सब होता है वो एक सार होता है इस स्टेज के अंदर। सो ये थी हमारी 7 स्टेजेस वार्नर की दी गई। तो होपफुली आपको अच्छे से सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड भी हम MCQs लेके आएंगे आपके पास। प्लीज़ टेलीग्राम पे हमें ग्रुप को में ऐड हो जाइए और वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड होगी। कमेंट कीजिए, जितने आप कमेंट करेंगे उनको हम क्वेरीज को आपके सॉल्व करने की कंप्लीट कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे।